मेरा ख्याल है लोगों को पसंद है वो है वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, तो वो मैं किसी और का भी बता दें, एक ही के ऊपर आपने बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। ये जब भी मैं गाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी वालदा मेरे करीब हैं, और उनके जब भी मैं गाने गाती हूँ मुझे एक फीलिंग ऑफ बीइंग क्लोज टू हर दैट कम्स अबाउट। आई मस्ट से दैट व्हेन शी वाज अलाइव व्हेन शी वाज सिंगिंग आई डिड नॉट रियलाइज व्हाट अ ग्रेट पर्सन एंड व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी वाज, बट एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज्ड दैट शी वाज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, वंडरफुल वुमन, वेरी emancipated woman, born before her time, I would say. And she was very reticent in telling us about her own life. And I only got to know about her life after reading the book that she wrote. उन्होंने उर्दू में किताब लिखी थी और वो किताब फिर इंडिया में पब्लिश हुई और ट्रांसलेट होके इंग्लिश में। It's called Song Sung True. And there were so many aspects of her life which I was not aware of because वो कन्फाइड नहीं करती थी या बच्चों के साथ शेयर नहीं करती थी। तो बहुत सा उनके बारे में मुझे पता चला वो किताब पढ़ के। एक हैरत की बात है कि मैं उनके साथ इतने साल गुजारे मगर वो इतनी प्राइवेट और इतनी वो अपने बारे में कोई कम बात करती थी कि बहुत सी बातें मुझे बाद में पता चली।
शगुफ्ता शगुफ्ता।